हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लोनिंग वेक्टर। एज आई ऑलरेडी कंप्लीटेड द पार्ट वन, द हाफ पोर्शन फ्रॉम दिस टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट टू वीडियो। ओनली द सेलेक्टेबल मार्कर एंड द क्लोनिंग साइट इज लेफ्ट। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कॉपी नंबर ऑफ plasmid, bacteriophage. If you are not seen that video, if you want to watch that video, you can. So let's start our today's topic from the selectable marker. ठीक है guys, देखो अब देखो पहले selectable marker का मतलब समझो। selectable marker होता क्या है? नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा marker है जो हमारे इसमें present है, किसमें? प्लास्मिड में, जो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, आई हैव दिस मार्कर सपोज। अब ये वाइट पेज है, ठीक है, अब मैं यहाँ मार्क कर दी, यू कैन सी दैट मार्क। ठीक है, अब सभी देख सकते हैं यहाँ जो मार्क प्रेजेंट है, यू सब देख सकते हैं। अब मेरे को बताने का मतलब ये है, आई हैव दिस मार्कर, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया इस गोले को, ठीक है, दिस इज़ द व्हाट एग्जांपल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, और सेलेक्टेबल मार्कर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड में। वो क्या है, कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर है? ठीक है, ये दो, दिस इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मिड इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा, एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि ये है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमको जानना है ये सेलेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि सपोज ये इसके पास होता है, क्या होता है, क्लोनिंग साइट होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है। आई होप सो अगर आप यहाँ तक आ गए होंगे तो आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको अभी थोड़ा बता देती हूँ। देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक सिक्वेंस को काटता है, जिस सिक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। कौन से सिक्वेंस को काटेगा? आपके पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम को। ठीक है, अगर पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम को काटा, वहाँ क्या बन गया आपका, स्टिकी एंड। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाऊँगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में आई हैव चेंज माय कलर, यस दिस, देखो यहाँ पर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाऊँगी। ठीक है, अब ये भी क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस से भी कटेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट से ये भी कट गया। ठीक है, कटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस है कि नहीं। अब देखो ये मेरा एक अच्छा खासा जीन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को बीच से इसको काट दी और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा दी। ठीक है, क्या ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस रहेगा? नो, नेवर, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस यहीं से कट हुआ। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आप लोगों को दो एग्जांपल देके समझाऊंगी, आपको और भी क्लियर हो जानी है। ठीक है,
देखो ये अपन का दो है, ठीक है, ये है ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ये दूसरा वाला है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है, ये तो काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, कल्चर मीडिया सेट करूँगी, ठीक है। यहाँ खाना पानी डाल दी, कल्चर मीडिया मतलब समझ गए, ठीक है। कल्चर मीडिया वो होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ को कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया वहाँ क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो कल्चर मीडिया, अब हमारा जो टेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ टेट्रासाइक्लिन डाल दी तो ये भी ग्रो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी ग्रो करेगा, ठीक है। अब मैं घुसाई किसको, अब देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ये ग्रो नहीं करेगा, और ये ग्रो करेगा, क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा सबसे बेहतर सेलेक्टेबल मार्कर होगा, क्यों, क्योंकि ये बताएगा अपन को कि ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, इसमें तो टेट्रासाइक्लिन के कारण ग्रो कर रहा था, यहाँ प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन यहाँ ग्रो नहीं कर रहे, तो हमको पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आई एम गिविंग माई बेस्ट गाइज। एक और मेथड होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, और एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोजेनिक इंसर्शन इन एक्टिवेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक प्लेट है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइट, गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है। अब देखो अगर इसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं घुसाई हूँ तब ये हमको देगा ब्लू कलर, ठीक है। अगर इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट घुस गया, ठीक है, दिस इज अवर ये, ठीक, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये अपन को देगा वाइट कलर। ये बहुत इजी मेथड है, क्यों, देखो ये काफ़ी इजी मेथड है, इसमें ब्लू बीटा गैलेक्टोसाइड इसमें डाले बस वो ब्लू कलर देगा, नहीं है तो वाइट कलर देगा, वी नो नीड बहुत सारा चीज़, ठीक है। अब देखो क्लोनिंग साइट, अब देखो क्लोनिंग साइट एक ही होगा, इसमें मैं आप लोगों को लिखी नहीं हूँ, मैं लिख देती हूँ, यस, ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड योर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, क्लोनिंग साइट एक ही होगा, क्यों, देखो क्लोनिंग साइट अगर एक ना ही रहा, सब में क्लोनिंग साइट बहुत सारा प्रेजेंट रहा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काटाफिटी हो जाएगा, ठीक है, विच वी डोंट नीड, हमको एक ही क्लोनिंग साइट चाहिए, एक ही उसमें अच्छे से वो मल्टीपल कर सके। I hope guys this is clear to you all. Keep study, be happy and thanks for watching and wait for the next video which is the competent host. All the best guys.